पचदेवरा थाना क्षेत्र में जमकर बेचा जा रहा गांजा। पिपरिया गांव में बाबा राम सागर गिरी मंदिर में बेच रहा गांजा। थाना पचदेवरा पुलिस के संज्ञान में होते हुए भी नहीं हो रही बाबा राम सागर पर कार्यवाही। खबर हरदोई पचदेवरा से सामने आ रही है। जनपद के थाना पचदेवरा क्षेत्र के गांव पिपरिया में मंदिर की आड़ में बाबा राम सागर गिरी खुलेआम बेचता गांजा नवयुवकों को ढकेल रहा नशे की जद में, जिसकी सूचना मिलने पर पुख्ता सबूतों के साथ ट्विटर के माध्यम से पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया, जिस पर डायल 112 पीआरबी पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई जांच पड़ताल नहीं की गई। 10 से 15 मिनट तक पुलिस वहां रुकी और दिखावे में खाना पूर्ति कर चली गई। जानकारी के अनुसार पुलिस मंदिर के अंदर तक नहीं गई, जबकि पुलिस को पूरी जानकारी दी गई कि गांजा उस समय कहां पर रखा है। ट्विटर के माध्यम से हरदोई पुलिस ने थाना अध्यक्ष पचदेवरा को जाँच कर विधिक कार्यवाही के लिए निर्देशित भी किया, लेकिन थाना अध्यक्ष खबर लिखे जाने तक मौके पर ना तो गए ना किसी को भेजकर जांच कराए। इसका मतलब स्पष्ट है कि एसएचओ थाना पचदेवरा पर उच्च अधिकारियों के निर्देश कोई मायने नहीं रखते हैं। सूत्रों की माने तो बाबा राम सागर गिरी गांजा बिक्री के साथ झाड़ फूक के नाम पर ठगी का काम भी करता है। पुख्ता जानकारी के बाद भी पचदेवरा पुलिस जाँच नहीं कर रही है। आपको बता दें, पुख्ता जानकारी होने के बाद भी पचदेवरा पुलिस द्वारा जांच ना किया जाना व पचदेवरा पुलिस की बाबा के प्रति ज्यादा मेहरबानी बड़े सवाल खड़ा करता है। अब देखना यह है कि खबर लगने के बाद प्रशासन उच्च अधिकारी जांच कराकर ऐसे कारनामों का पर्दाफाश करते हैं या ऐसे ही खुलेआम गांजा बिक्री का अवैध गोरख धंधा फलता फूलता रहेगा।